एरिक का सीजन 1 नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो चुका है, जो कि एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर बेस्ड शो है, जिसके सीजन 1 में टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ 50 से 55 मिनट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब है कि इस सीरीज की कहानी को सीजन 1 में ही खत्म कर दिया गया है, इसका सीजन 2 नहीं आएगा। तो ये बात करते हैं सीरीज के कुछ अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स के बारे में, कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, मेरे इस क्विक रिव्यू में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है 1980s में न्यूयॉर्क के एक फैमिली के ऊपर, जिसमें एक माँ, बाप और एक 8 साल का बेटा होता है। इस परिवार में जो पिता होता है वो एक पपेटियर होता है, जो कठपुतलियाँ या पपेट्स को बनाता है और उन्हें टीवी पर यूज़ करके बच्चों को खुश करने का काम करता है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब एक दिन इस पिता, जिसका नाम विंसेंट होता है, उसका बच्चा मिसिंग हो जाता है, यानी कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया होता है। तब विंसेंट को याद आता है कि उसके बेटे ने उसे एक एरिक नाम का पपेट बनाने को कहा था, अगर वो एरिक को बनाकर टीवी पर दिखाए तो हो सकता है कि उसका बेटा वापस आ जाए। तो क्या विंसेंट अपने बेटे एडगर को ढूंढ पाता है या नहीं, और वो कौन लोग होते हैं जिन्होंने एडगर के साथ साथ कई बच्चों को किडनैप किया होता है, जानने के लिए आपको देखना होगा इस लिमिटेड सीरीज को। देखिए दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को लेकर बस एवरेज ही था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मेरा फेवरेट जॉनरा है और इस जॉनरा पर बने शोज मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, बट ये शो और अच्छा हो सकता था। एक तो मैंने ये शो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच के लिए देखा है, और मुझे लगता है कि इस शो को ज़्यादातर लोग इन्हीं की वजह से देखेंगे। बट मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा स्लो पेस है। मेरे पेशेंस की तो वाट लग गई थी इस सीरीज़ को देखकर। हालांकि शो का ट्रेलर भी मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग और इंगेजिंग नहीं लगा था, बावजूद इसके मैंने सोचा कि कुछ शोज होते हैं जिनके ट्रेलर भले ही अच्छे ना हो बट मूवी या शो काफ़ी इंगेजिंग होते हैं, बट इस शो के मामले में ऐसा नहीं है। मैं पूरी तरह से बोर हो गया था इस सीरीज़ को देखकर। हालांकि विजुअल्स, लोकेशन और कलर ग्रेडिंग इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छी है, बावजूद इसके आप इस शो से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। और आपको इस शो के चौथे या पांचवें एपिसोड में ये भी पता चल जाता है, सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, कि एडगर विंसेंट का जो बेटा है वो किडनैप नहीं हुआ है, बल्कि उसके साथ कुछ और ही हुआ होता है। बट फिर भी आपको किसी तरह की एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी फील नहीं होती। डिटेक्टिव मिचेल लैंड्रॉइड की एंट्री के बाद आपको लगता है कि अब शायद इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा मज़ा आएगा, मगर ये शो इतना ज़्यादा स्लो पेस है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि शो में कुछ भी हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच की एक्टिंग किन्हीं किन्हीं जगहों पर आपको पसंद आएगी, बावजूद इसके ये शो पूरी तरह से फीका है, बोरिंग है। डिटेक्टिव लैंड्रॉइड, एडगर और बाकी सभी एक्टर्स की एक्टिंग बस डिसेंट है। प्रोडक्शन डायरेक्शन इस शो का डिसेंट सा है। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि इस शो की स्टोरी भी ज़्यादा इंगेजिंग नहीं है। ओवरऑल ये शो अगर 6 एपिसोड्स के बदले 1.5 घंटे की मूवी होती तो हो सकता है कि मूवी थोड़ी अच्छी होती। इस शो की हिंदी डबिंग की बात करें तो ये नेटफ्लिक्स का शो है, और इनका कोई भी शो चाहे अच्छा हो या बुरा, सभी की डबिंग अच्छी होती है। मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को आवाज़ मोहन कपूर ने दी थी, उन्होंने ही एरिक सीरीज में विंसेंट यानी कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच को फिर से आवाज़ दी है, इसलिए विंसेंट का कैरेक्टर काइंड ऑफ फैमिलियर लगता है आपको। शो में आपको कुछ गे किसिंग सीन्स भी देखने को मिलेंगे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही फैमिली के साथ देखें, वरना ये शो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ओवरऑल मैं इस शो को 5 out of 10 की रेटिंग देता हूँ। आपने ये शो देख लिया या देखने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।